केंद्र सरकार की आज चौथी सालगिरह है। इस तरह से देखा जाए तो यूपीए सरकार के कार्यकाल को 9 साल पूरे हो गए हैं। आज ही का वो दिन था जिस दिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मानक अग्रवाल ने कहा कि केंद्र की यूपीए सरकार का कार्यकाल काफी सफल रहा है। 9 साल में सरकार ने काफी विकास कार्य किए हैं और साथ ही समय समय पर सारे राज्यों को हमेशा मदद पहुंचाई है। देखिए, यूपी सरकार की उपलब्धियों भरे 9 साल रहे हैं पूरे देश के अंदर, जहाँ उन्होंने कैश सब्सिडी ट्रांसफर योजना लागू की, मनरेगा लागू किया और हर राज्यों को भरपूर मदद की, मध्य प्रदेश को भी भरपूर मदद की। हर मामले में यूपीए सरकार की उपलब्धियां भरा ये 9 वर्ष का पीरियड रहा है। वही केंद्र सरकार की चौथी सालगिरह के जश्न के मौके पर प्रदेश भाजपा पार्टी ने विरोध किया है। भाजपा प्रवक्ता विजेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि केंद्र की यूपीए सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। कांग्रेस शासित सरकार ने कलंकित इस देश को किया। सत्तारूढ़ दल होते हुए, दो बार सत्तारूढ़ दल होते हुए सबसे ज्यादा मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए और जेल जाना पड़ा तो कांग्रेस शासित सरकार के मंत्री हुए। विश्व में किसी भी डेमोक्रेसी में सत्तारूढ़ दल में बैठा हुआ कोई भी दल कि किसी भी मंत्री की स्थिति ऐसी नहीं हुई है जो भारत में कांग्रेस शासित सरकार की स्थिति हुई है। और इसलिए 9 साल इस देश की जनता के लिए सबसे शर्मनाक रहे विदेशियों के सामने। नंबर दो, सर्वाधिक आपराधिक प्रकरण अगर इस देश के कहीं बढ़े हैं तो कांग्रेस शासित देश में। परंतु उससे बड़ी बात शर्म की बता रहा हूं कि यह पहली सरकार है कि विकास दर में केंद्र सरकार 0 पे खड़ी है और दूसरे प्रांत आसमान पे पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी विकास दर पे 8 से 9% पहुंच गई, बाकी बीजेपी शासित प्रांत कोई 7 पे, कोई 8 पे, कोई 9 में, बिहार में 10 तक पहुंच गए। परंतु कृषि में हमने रिकॉर्ड स्थापित किया, 18% विकास दर स्थापित किया। और अगर बीजेपी शासित प्रांतों को निकाल दो तो केंद्र की विकास दर 1%, 2%, 3% से ऊपर नहीं हो सकती। इसलिए कांग्रेस के लोग किस बात पे गर्व करते हैं ये तो वो जाने, परंतु मेरा ये मत है कि इस सरकार ने पिछले 9 साल में विश्व के सामने देश का गर्व सीने से, जो गर्व से सिर ऊपर उठाना था उसके जगह शर्मनाक किया है, हमारे मुंह पे कालिक पोती है, हमें नीचा दिखाया है। हर नेताओं के सियासी वार तो चलते ही रहेंगे, मगर पार्टी को आने वाले कुछ महीनों में ही कई टेस्ट जमीन पर पास करने होंगे। दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए आम चुनाव से पहले असल फ्लोर टेस्ट साबित होंगे। छवि बेहतर बनाने और जन कल्याण के एजेंडे पर पार्टी को पूरी ताकत लगानी है। अब देखना है कि यूपीए सरकार इन इम्तिहानों में पास हो पाती है या नहीं। कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ वैष्णवी चौधरी, EMS TV न्यूज भोपाल।